आप सभी का स्वागत है लर्न क्विकली पे। और आज आप देखने वाले हैं कि फ़ोन को एज अ वेबकैम कैसे यूज़ करेंगे। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं एज अ वेबकैम, क्योंकि जो लैपटॉप में इंटीग्रेटेड वेबकैम होते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम फ़ोन को यूज़ करेंगे एज अ वेबकैम। टीचिंग के लिए, यूट्यूब चैनल पर अगर रिकॉर्ड करें उसके लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और इरियन सर्च करना है, irion.com। ठीक है, इरियन वेबकैम भी डालेंगे तो मिल जाएगा आपको। देखिए आपको पहला लिंक मिल गया irion.com, क्लिक करना है। और आप इसको तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं, विंडो, मैक और उबंटु के लिए। इसको विंडोज़ के लिए करते हैं, डाउनलोड हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, और इसको इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पे लाइसेंस एक्सेप्ट कर बोला, एक्सेप्ट किया, ये इंस्टॉल हो गया। अभी आपको फ़ोन में भी करना है तो मैं फ़ोन में कर देता हूँ पहले। ये फ़ोन में अभी मैं करने जा रहा हूँ। इरियन वेबकैम डालते ही पहला आ गया और ये मैंने इंस्टॉल किया और इंस्टॉल हो रहा है, फ़ोन पर इंस्टॉल हो चुका है। ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। ये हम वायरलेसली यूज कर रहे हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं मैं वायरलेसली यूज़ कर रहा हूँ मेरे सिस्टम पे। ये मेरे सिस्टम का दिखाई दे रहा है। अभी मैं फ्लिप करता हूँ कैमरा तो ये फ्रंट कैमरा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट कैमरा आ रहा है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है वाईफाई से, इसीलिए वायरलेसली हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। देखिए मैं कैसे किसी भी एंगल से घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं सिस्टम पे वेबसाइट दिख रहा है आपको। ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वेबकैम। ये तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में भी और लैपटॉप में भी, विंडोज़, मैक और उबंटू के लिए। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इसको दूसरे एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे हमें जूम में करना है यूज़, तो जूम मैंने ओपन किया, न्यू मीटिंग स्टार्ट किया और यहाँ पर देख सकते हैं आप कैम वीडियो में वेबकैम आ रहा जो हमने इंस्टॉल किया है उसको सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना ये वेबकैम चूज़ किया, ये इंटीग्रेटेड वेबकैम है। ठीक है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो वेबकैम हमने इंस्टॉल किया उसको यूज़ करने के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। और आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन, ये देखिए ये हो गया जूम में। आप जूम पर भी टीचिंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं कैमरे को। मैं करके दिखाता हूँ, और फ्रंट कैमरा मैंने फ्लिप किया और ये फ्रंट में फ्लिप हो गया। आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं जूम में भी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि OBS में कैसे यूज़ करते हैं। OBS में यूज़ करने के लिए आपको OBS स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जूम मीटिंग बंद कर देता हूँ और OBS स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने OBS स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी वीडियो कैप्चर डिवाइस में ओपन करना है आपको, और इंटीग्रेटेड वेबकैम की जगह पे जो हमने अभी इंस्टॉल किया वो आपको सेलेक्ट करना है। ओके, ये सेलेक्ट किया और मैंने अभी फ़ोन में फ़िलहाल बंद कर दिया है इसको, ऐप को इसीलिए नहीं आ रहा है। ये मैंने स्टार्ट किया और ये मेरा कैम स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं आप, मुझे आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये हो गया। और मैं आपको ये करके बताता हूँ, मैंने रोटेट कर दिया इसे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हम इसे OBS में यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को एज अ वेबकैम। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।